Okay, now we move to the demand schedule. We have seen that when a price go higher, at that time quantity demanded fall. But when price lower, quantity demanded higher. So this is the inverse relationship between quantity demanded and price. हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं ना, थिंग वी लर्न दैट डिमांड हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल. हम लोग पढ़ेंगे व्हेन द 50 प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, एट दैट टाइम हम लोग वन क्वांटिटी डिमांड करते थे, बट व्हेन 40 प्राइस इज देयर, एट दैट टाइम वी डिमांडेड टू क्वांटिटी. व्हाई? बिकॉज प्राइस थोड़ा लो हो गया, 10 रुपीज, इट गेटिंग लोअर. ओके, नाउ हियर व्हाट हैपेंड व्हेन द प्राइस इज 30, व्हेन द प्राइस इज 30, एट दैट टाइम द क्वांटिटी वी आर डिमांडिंग, हाउ मच क्वांटिटी we are demanding 3 quantities, and at that time when the price is 10 at the lower scale, bahut low ho jata, at that time we are demanding 5 quantity, 5 kg wheat or 5 kg rice. So jab whenever the prices fall, the quantity demanded higher, and whenever the price higher, quantity demanded fall. Now we see this by demand curve. Okay, here this is the, now how you can written this as an explanation of the diagram, because explanation of the diagram is also important. So how you can write, usually first point is there is a two coordinates, okay, in x-axis, and x-axis quantity demanded represented, in x-axis quantity demanded represented. So in y-axis what represented? Yes, in y-axis price of the commodity represented. Now the third point should be when the price of a commodity is 50, the demand, quantity demanded is 1 kg. As so on, when the price of the commodity is 10, at that time quantity demanded 5 kg. Jab 10 rupees tha, to wo 5 kg quantity demanded karte the. So here we can see that which relationship is there between quantity and price. Third point should be the quantity demanded and price having inverse relationship. Okay, and the curve slope downward from left to right. This is your fourth point. Understand? This is nothing but the explanation of a diagram. Okay. So here whenever the curves is in here, I taken a one table. Let's see, we'll draw this. X-axis, on x-axis what we write? We write price. And on y-axis what I write? We write quantity demanded. Now just wait, on x-axis we write quantity demanded and y-axis we write price. Now here I write 40. Here I write 80, 70, 60, 50 and 40. And here I write 1, 2, 3, 4, 5. Now when 80 is there, when 80 price is there, the quantity demanded kitni thi?
एग्जैक्टली करेक्ट, जब 80 प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 1 kg, दैट इज लाइक दिस. वेन द 50 वेन द 70 इज देयर, वेन द 70 प्राइस इज देयर तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 2. ओके, वेन 60 प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड थी 3. वेन 50 4 एंड 40. तो यहाँ पे एक इनवर्स रिलेशनशिप बन गया. सो नाउ व्हाट यू विल एक्सेप्शनल. नाउ व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल मीन्स द थिंग विच इज विच नॉट अप्रूव्ड विद लॉ ऑफ डिमांड. ऐसी चीजें जो लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है, कि लॉ ऑफ डिमांड जो है मीन्स प्राइस राइज होगी तो डिमांड लो होगा, प्राइस लो होगा तो डिमांड राइज होगी. ये जो चीज़ है, ये जो कंसेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड का, उसके अगेंस्ट है. उससे कहा जाता है इट इज नथिंग बट द एक्सेप्शनल डिमांड, एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड. बट बिफोर गोइंग विद एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड, हम एक्सेप्शनल डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स डिमांड कर्व के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड. ओके, सो हियर व्हेनेवर, उनके हिसाब से व्हेनेवर जब प्राइस इज लोअर, प्राइस इज लोअर डिमांड इज गेटिंग हायर. यहाँ पे अपवर्ड स्लोप जा रहा है. हियर वी कैन सी दैट द स्लोप द कर्व इज गोइंग अपवर्ड, अपवर्ड स्लोप फ्रॉम राइट, सॉरी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. क्योंकि ये लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है. हाउ द लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट है यहाँ पे हम देखेंगे. ओके, वी विल सी हियर. फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 40, देन 30, देन 20. ओके, एंड हियर 1, 2 एंड 3. नाउ जब 20 प्राइस था, ओके 20 प्राइस था मीन्स द प्राइस ऑफ द 20, ए वी कैन सी दैट 40, 30 और 20 है. तो एग्जैक्टली जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो 20 है. बट जब 20 प्राइस था तो क्वांटिटी डिमांडेड इज नथिंग बट ओनली 1 kg. क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? 1 kg थी. बट व्हेन द प्राइस इज 30, जब प्राइस 30 हुई तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, दैट इज 2. एंड व्हेन द प्राइस इज 40, एट दैट टाइम द क्वांटिटी डिमांडेड इज हायर, दैट इज 3. मीन्स जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होगा क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड. इन एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है. ओके, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. नाउ यहाँ पे होता क्या है? ओके, व्हाट हैपेंड हियर? ऑलवेज रिमेंबर इन एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग व्हेन द प्राइस राइजेज डिमांड ऑल्सो राइजेज, व्हेन प्राइस लोअर डिमांड ऑल्सो गेटिंग लोअर और डिमांड ऑल्सो गेटिंग फॉल. तो इन प्राइस और डिमांड के बीच में यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है इन एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड. और वी कैन से दैट व्हेन देवर द प्राइस हायर, व्हेन एवर द प्राइस राइजेस डिमांड इज गेटिंग हायर, डिमांड बढ़ते जाएगा. बट व्हेन एवर द प्राइस इज गेटिंग लोअर डिमांड इज ऑल्सो गेटिंग लोअर इन द एक्सेप्शनल लॉ ऑफ डिमांड. बट ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ विच फैक्टर? द फर्स्ट थिंग इज गिफन पैराडॉक्स. नाउ व्हाट हैपन गिफन पैराडॉक्स, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ गिफन पैराडॉक्स? ओके, द गिफन पैराडॉक्स ब्रिंग दिस कंसेप्ट ब्रिंग बाय रॉबर्ट गिफन. यस एग्जैक्टली मनस्वी. बट हियर व्हाट हैपन, द गिफन पैराडॉक्स अकॉर्डिंग टू देम जो इन्फीरियर गुड्स है,
द इन्फीरियर गुड्स जितनी प्राइस लो होगी, ओके, जितनी प्राइस लो होगी उतना ही क्वांटिटी डिमांडेड लो हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक अ राइस. हियर वी विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ विच राइस, रेशनिंग. द रेशनिंग राइस इज देयर. रेशनिंग का राइस होता है, यू नो. यस. और वी कैन टेक अ एग्जाम्पल ऑफ इन्फीरियर गुड. इन्फीरियर गुड मीन्स इन्फीरियर क्वालिटी, लोअर क्वालिटी ऑफ राइस. लोअर क्वालिटी में जो राइस होता है ना, विल टेक अ एग्जाम्पल ऑफ दैट. नाउ व्हेन द प्राइस ऑफ दैट लोअर क्वालिटी राइस इज गेटिंग लोअर, जब वो डिक्रीज हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये जो लोअर क्वालिटी राइस है, ओके, उसकी जो रेट है नाउ वो 40 है, 40 रुपीज पर केजी, और वी कैन से 4 रुपीज पर केजी, ओके. बट नाउ विद इन वन मंथ उसकी जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाती है. वाई? कि उनका ये वेलफेयर है, उनका ये सोचना है कि और लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड होनी चाहिए, तो उन्होंने 4 से रुपीज 3 कर दिया प्राइस. तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाती है लोगों की मेंटालिटी, ओके, द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल. यूजुअली ऐसी चीज़ें होती है कि जब प्राइस लोअर हो जाती है तो पीपल थिंकिंग अभी यहाँ पे प्राइस लोअर हो गई तो पीपल ऑल्सो डिमांडेड लोअर क्वांटिटी. वाई? बिकॉज उन्हें ऐसे लगने लगता है उनकी जो इनकम होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो व्हाट दे आर थिंकिंग व्हेन द इनकम इज गेटिंग राइजेस, तो दे आर थिंकिंग दैट कि अगर हम लोग अच्छा ले सकते, व्हेन वी आर अफोर्डिंग गुड, तो हम लोग लोअर क्वांटिटी ब्रांड की तरफ क्यों जाए, लोअर प्राइस क्यों पे करें. वी शुड परचेस अ गुड थिंग इफ अवर इनकम इज गुड. तो व्हाई वी गो विद इन्फीरियर गुड, हम लोग लोअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स की तरफ क्यों जाए, लोअर प्राइस क्यों पे करें. यस. सो दिस इज नथिंग बट अ गिफन पैराडॉक्स. पर यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, अगर प्राइस लोअर होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी लोअर होती है. वी कैन सी हियर, ओके, इट इज डिपेंड अपॉन द इनकम. अगर इनकम गुड हुई तो ही और शी विल मूव टू द गुड प्रोडक्ट. वी कैन सी हियर. नाउ इनकम इज 4 लाख, ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम कितनी थी, 2 लाख थी उसकी, ओके. एक्स एक्सिस में है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इन्फीरियर गुड, ओके, लोअर प्राइस गुड, एंड हियर दैट इज अ प्राइस. नाउ हियर इनकम, इनकम कितनी थी, 2 लाख रुपीज थी, तभी वो परचेस करता था इन्फीरियर प्रोडक्ट, ओके. बट जब उसकी इनकम बढ़ गई, द इनकम इज गेटिंग 4 लाख, एट दैट टाइम व्हाट ही थिंक, द डिमांड इज गेटिंग लोअर, द डिमांड इज गेटिंग लोअर. फर्स्ट डिमांड कितनी थी उसकी, 2 रुपीज थी, ओके, 2 केजीज थी, एंड नेक्स्ट डिमांड इज 1 केजी. नाउ देखो, जब उसकी इनकम 2 लाख रुपीज थी तो वो 2 केजीज परचेस करता था, ओके, एंड जब उसकी डिमांड सॉरी जब व्हेन हिज इनकम इज गेटिंग 4 लाख, तो व्हाट ही डिसाइडेड, ही स्विच देयर चॉइस, उसने उसकी चॉइस स्विच कर दी, एंड ही डिसाइडेड टू परचेस अ डिफरेंट प्रोडक्ट. मतलब वो प्रोडक्ट भी वो परचेस करेगा, ही विल परचेस दैट प्रोडक्ट इफ ही वॉन्ट, अगर उसे जरूरत है तो. बट वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा, क्यों, क्योंकि नाउ ही विल एबल टू अफोर्ड अ गुड थिंग. तो नाउ द व्हेन द इनकम इज 4 लाख, ही डिमांडेड ओनली 1 केजी. सो हियर व्हाट हैपेंड इन गिफन पैराडॉक्स, इनकम के ऊपर डिपेंड है सब चीजें. इफ द इनकम इज गेटिंग हायर एट दैट टाइम, अगर प्राइस लोअर भी हो जाए, अगर प्राइस लोअर हो जाए तो क्वांटिटी डिमांडेड भी लोअर होगी, बिकॉज द पीपल मेंटालिटी. बिकॉज अभी हमारी इनकम गुड है और यहाँ पे प्राइस उसकी लो होती जा रही है, इट मीन जो ब्रांडेड प्रोडक्ट है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है. अगर प्राइस लो हो जा रही है तो इट इज अ
not good that much. Lower British, okay? ये कब हुआ था? Okay, is my voice is audible? Okay, now it is audible properly. No, not audible. Okay. Is it now audible? We will take an example of gold and diamond. Sorry, gold and diamond. Usually, here what happened in gold and diamond? Ki gold or diamond में the one thing is similar that lower the price, lower the demand. Higher the price, higher the demand. Usually in rich class people, it happens. If we will take an example of diamond, okay, हम लोग diamond का example लेंगे. If the diamond price, okay, diamond price is 2 lakh rupees और 20 lakh rupees, तो एक prestige होता है. बोलते ना शो ऑफ, वन शो ऑफ इज देयर यूजुअली फॉर प्रेस्टीज इज गुड. फॉर एग्जाम्पल वी विल टेक ए नॉट बट द ब्रांड नेम. ब्रांड नेम इज नथिंग बट फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, डायमंड, आईफोन्स. हियर व्हाट हैपेंड, एज द हाइयर द प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो हाइयर. Okay, lower the price, lower the quantity demanded. Now speculation. Speculation is nothing but to thinking about the future price. Future में price बढ़ सकते हैं, future में price कम हो सकते हैं. इसके बारे में सोचना, it is nothing but speculation. For example, sugar, oil, tea, milk. Okay, we will not take a milk. Okay, sugar, oil. Onion, yes. Okay. So in speculation, what happened usually? Higher the price, higher the demand. If we take an example of oil. Okay. हम speculate करते हैं कि अभी समझो, we will take example of 40 rupees sugar. 1 kg sugar. 40 rupees. ओके, वी विल टेक एग्जाम्पल. तो हम लोग क्या सोचेंगे, वॉट वी विल थिंकिंग, कि आज 40 rupees है. ओके, 36 से 40 हो गई है अभी शुगर की प्राइस. वी विल टेक एग्जाम्पल. तो यहाँ पे प्राइस बढ़ रही है. नाउ पीपल थिंकिंग अबाउट फ्यूचर. यहाँ पे लोग फ्यूचर के बारे में देख रहे हैं. यहाँ पे लोग ये नहीं देख रहे कि यहाँ पे 4 rupees प्राइस बढ़ गई है. वी विल टेक एग्जाम्पल ओवर हियर. सो व्हेन द prices increases, quantity demanded is also increase in present. Present में quantity demand भी increase होगी. Why? Because people are thinking कि अभी 40 kg, 40 rupees per kg है, तो आगे जाके 50 rupees भी हो सकती है, तो अभी ही परचेस करके रख लें. The people thinking about future, तो जब भी whenever they are speculating, whenever they are thinking about future, तो वहाँ पे कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में हाउ मच प्राइजेस राइजेस, इट डजेंट मैटर. कितनी भी प्राइस बढ़ जाए, इट डजेंट मैटर. मैटर्स द क्वांटिटी डिमांडेड. 36 से 40 हो गई बट लोगों को फर्क नहीं पड़ा, तो भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे. व्हाई? बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर प्राइस. तो स्पेक्यूलेशन में ऑलवेज हैपन्स दैट हाइयर द प्राइस, हाइयर द डिमांड. ओके, नाउ नेक्स्ट, प्राइस इल्यूजन. ओके, नाउ बिफोर गोइंग विद द प्राइस, फॉल्स आइडिया और बिलीफ ऑफ एनी वन क्वांटिटी, ऑफ एनी वन थिंग. Illusion is nothing but a false idea.
Obviously, as I take an example of Britannia, okay, there are n number of product I showed you in screen. So in price illusion, what happened? Consumer have illusion that high price good are of a better quality. For example, branded product. I take an example of iPhone also. We will take an example of a Britannia also. Okay, Britannia's price is higher. So what we are thinking, ki Britannia's quality is also good. Why? Because the brand name. Okay, we will also take example of McCain's. We will also take example of Dabur. If the Dabur price is higher, the quantity demanded is also higher. Why? Because we are thinking that the product, the brand name, the name of the brand. And usually, as price higher, demand is also higher. As price is lower, demand is also lower. This is a too good point. This happens. Ignorance means whenever we are purchasing things, okay, whenever we are purchasing commodity, at that time hame knowledge nahi hota. We didn't have a knowledge. Hame knowledge hi nahi hota ki hum log kya pad rahe. We are never read the description also. Hum log description bhi nahi padte. Okay, for example, we will take an example of oil, or we will take an example of juices. In ignorance, what happened? We never see ki uski price ki, haan, price hai, we will take. This thing happens in packing products. Packing product mein he never did bargaining. He never have a knowledge ki hum log kitne price pay kar rahe hain, kitna nahi kar rahe hain. He never see the description also. कि उसमें क्या है, what is the content. Sometime it happened due to that ignorance, people buy more of a commodity at a higher prices. High prices में भी वो ज़्यादा से ज़्यादा commodity purchase कर लेते हैं. Now ignorance. In ignorance what happened? They didn't think about the price, okay? Just they will purchase. And here, the higher price, in higher price also, the higher quantity will demand because of the ignorance. Now, habitual goods. Usually in toothpaste, in tea, in salt, this all are the habitual goods. Hamari daily ki necessity ban chuki hai. Our daily priorities. If remember, there is no salt in your home, will you able to do a cooking? आप कुकिंग कर पाओगे, आपकी मॉम कुकिंग कर पाएगी अगर आपके घर में सॉल्ट ही नहीं है तो, नमक ही नहीं है तो? नो, इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, टी. यूजुअली अगर टी नहीं हो, चाय नहीं हो, तो देर आर द सम पर्सन हु आर नॉट एबल टू वर्क, तो वो एक नेसेसिटी बन चुकी, एक जरूरत बन चुकी है. टूथपेस्ट, इफ यू डिडेंट हैव अ टूथपेस्ट, ओके, इन योर होम ना ही है, वी शुड परचेस इट. तो यहाँ पे देर इज अ नो मैटर कि वहाँ पे प्राइस कितनी हायर है. वेन एवर द प्राइस ऑल्सो हायर, द क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो हायर. इन हैबिचुअल गुड्स, नो मैटर हाउ द प्राइस इज हायर, प्राइस हायर, क्वांटिटी डिमांडेड इज ऑल्सो हायर. सो टिल हियर. Now, variations in demand. Variations in demands having two types, okay? But what is variation of demand? When the demands of commodity falls or rise due to change in the price, price ke wajah se demand of the commodity kam hoti hai ya zyada hoti hai,
और बाकी की जो सारी चीजें वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज इनकम. अदर थिंग मीन्स व्हाट हियर? अदर फैक्टर मीन्स इनकम, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, देन टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस, ये सारी चीजें सेम रहेगी. बट जब प्राइस के वजह से डिमांड इफेक्ट होगा, डिमांड फॉल होगा या डिमांड राइज होगा, इट इज नथिंग बट वेरिएशन इन डिमांड. और वेरिएशन इन डिमांड हैविंग टू टाइप्स, दैट इज एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. बट फर्स्ट वी विल गो विद द एक्सपांशन ऑफ अ डिमांड. इन एक्सपांशन ऑफ डिमांड व्हाट हैपन? डिमांड कर्व्स डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट इन एक्सपांशन ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस हाइयर, क्वांटिटी डिमांडेड. ओके, सो बिफोर गोइंग विद दिस आई वॉन्ट टू आस्क यू नाउ हियर व्हाट हैपन. द एक्सपांशन ऑफ डिमांड में वेन एवर द प्राइज लोअर, ओके, वेन एवर द प्राइज लोअर डिमांड इज गेटिंग हाइयर. वेन द डिमांड राइज, वेन द प्राइज लोअर डिमांड राइजेस, दिस इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ डिमांड. एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मीन्स वॉट? Contraction of demand means whenever the demand lower and price higher. Or contraction of demand always slopes upward, okay? Always remember that demand. When the demand falls, jab demand kam hogi because of rise in price. Because of rise in price, it is nothing but the contraction of demand. और ये चीज़ें किसके लिए होती हैं? यहाँ पे other factor constant रहेगा in contraction of demand and in expansion of demand. खाली यहाँ पे जो relationship है वो है quantity demanded और price के बीच में. तो contraction of demand is nothing but when the price is lower. Okay? Sorry, when the price is higher, demand is lower. और यहाँ पे जो कर्व है वो अपवर्ड स्लोप होगा. हियर द अपवर्ड स्लोपिंग कर्व इज देयर इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. नाउ नेक्स्ट इज चेंज इन डिमांड. नाउ वेरिएशन ऑफ डिमांड में हमने देखा कि डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है और बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो कांस्टेंट रहेगी, सेम. पर चेंज इन डिमांड में फुल अपोजिट है. डिमांड और अदर थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप है और यहाँ पे प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, सेम. फुल अपोजिट है वेरिएशन इन डिमांड एंड चेंज इन डिमांड. वेरिएशन इन डिमांड में डिमांड और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप है एंड चेंज इन डिमांड में डिमांड एंड अदर थिंग्स के बीच में रिलेशनशिप है. अदर थिंग मीन्स इनकम, habits, taste, fashions, size of population, वो fluctuate होगी, वो ऊपर नीचे होगी, but price same रहेंगे. This is nothing but a change in demand. Change in demand is also having two types, increase in demand and decrease in demand. Increase in demand means nothing but whenever the price, when the demand is higher and other thing is lower. Means जब size of population low होगी, जब income low होगा, जब taste habits low होगा, तब demand higher होगी. And decrease in demand means when the income is higher, in the decrease in demand means what? Decrease in demand means jab decrease hogi demand. Because of what? Because of unfavorable change in other. And income is also more. If the population is more, income is more, automatically what happened? The demand is also increased. Demand is also increased.
So we can say that change in demand, when the demand of commodity increase or decrease, when the demand of commodity increase or decrease due to change in other factors and price remain constant. यहाँ पे price constant रहेगी change in demand में, और बाकी की जो सारी चीजें that is other factors they are changed, they changed. And change in demand having two type, that is increase in demand and decrease in demand. So till here